नमस्कार बच्चों, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको अंकों से छोटी बड़ी संख्याएं सिखाएंगे। तो देखिए कैसे संख्या है, संख्या अपनी है 4, 2, 0, 1। अगर इससे हम बड़ी संख्या बनाएंगे, तो देखो बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, देखिए तो देखिए बड़ी संख्या में हम पहले सबसे बड़ा अंक लेते हैं, तो इसमें बड़ा अंक अपना कितना है, 4 है, और उससे छोटा फिर तो 4 से छोटा 2, और 2 से छोटा इसमें कितना है, 1, और 1 से छोटा 0। तो इन अंकों से अपनी बड़ी संख्या बन गई 4 या 210। और इन्हीं अंकों से अगर छोटी संख्या बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए छोटी संख्या। अब छोटी संख्या तो इसमें अपना छोटा अंक कौन सा है, 0 है, छोटा अंक कौन सा है, 0 है, लेकिन हम इसमें 0 सबसे पहले नहीं लिखेंगे, इसमें सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे। जैसे छोटा अंक 1 है तो इसमें पहले 1 लिखेंगे, और 1 के बाद तब 0 लिखेंगे। तो देखिए 1, 1 के बाद 0, और फिर इससे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी है, 2 है, 2, और 2 से बड़ी 4। ऐसे छोटी संख्या बनाएंगे, तो अपनी बड़ी संख्या तो कितनी थी, 4 या 210, और छोटी संख्या कितनी बन गई, 1024। ऐसे देखिए दूसरे अंक लेते हैं, तो देखिए इसे बड़ी संख्या बनाएंगे, बड़ी संख्या में तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या बड़ी संख्या में तो हमने पहले ही बताया था कि बड़ा अंक सबसे पहले लेते हैं, तो बड़ा अंक अपना इसमें 6, तो 6 लिख लेंगे, और छोटा छोटा अंक इससे छोटे अंक लिखते जाएंगे, 6 के बाद 5, 5 से छोटा 3, और 3 से छोटा 2, और 2 के बाद 0 लिख देंगे। अब देखो छोटी संख्या, छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमने पहले ही बताया था कि 0 पहले नहीं लिखेंगे, इसमें 0 है तो 0 पहले नहीं लिखेंगे, पहले सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे। तो छोटा अंक कौन सा है अपना, 2 है, इसमें 1 तो नहीं है, तो छोटा अंक 2 है, तो 2 लिख लेंगे, और 2 के बाद फिर 0 लिखेंगे। अब 0, 0 से अब बड़े बड़े अंक लिखते जाएंगे, 2 से बड़ा कौन सा अंक है, 3, और 3 से बड़ा 5, और 5 से बड़ा 6। ये अपनी छोटी संख्या बनके तैयार हो गई। अब देखिए जैसे इसमें तो 0 है, अगर इस किसी संख्या में अगर 0 ना हो तो देखिए, जैसे कोई संख्या है, दो, इससे हम बड़ी संख्या बनाएंगे, तो देखिए बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, देखिए बड़ी, तो बड़ी में तो वही नियम, वही नियम चलेगा, जैसे बड़ी संख्या बड़ा अंक 9, और 9 से छोटा 8, 8 से छोटा
सात, और सात से छोटा छह, छह से छोटा तीन, और तीन से छोटा दो, और ये अपनी बड़ी संख्या बनके तैयार हो गई। अब देखिए छोटी संख्या, तो देखिए छोटी संख्या, आप छोटी संख्या बनाएंगे तो अब इसमें जीरो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो छोटा अंक सबसे पहले ले लो छोटा, फिर उससे बड़ा बड़ा लिखते जाएंगे, तो दो, फिर तीन, फिर छः, सात, आठ और नौ, ये अपनी छोटी संख्या बनके तैयार हो गई। ऐसे हम छोटी और बड़ी संख्याएं बनाते हैं।